वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के सीबीएसई क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। इसके पहले वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 का सॉल्यूशन बता रखा है। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के उन वीडियोज़ को जरूर देखें। ये क्वेश्चन नंबर 5 में जो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि x³ - 2x² - x + 2, इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन पहला तरीका मैं आपको इस वाले क्वेश्चन में बताने वाला हूँ और दूसरे तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। 2, 3 और 4 को हम लोग सेकेंड रूल से सॉल्व करने वाले हैं, तो आप उनको ध्यान से समझेंगे। अगर आप दोनों तरीके जान जाएंगे तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेफ होगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पर हम क्या करें, अगर यहाँ पर हम x² कॉमन कर लें तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा x और यहाँ पे मिल जाएगा -2। और अगर यहाँ पे मैं -1 कॉमन कर लूँ तो यहाँ पे मैं मिलेगा x - 2। अब ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि अगर यहाँ पे हम x² को कॉमन कर लें और यहाँ पे हम -1 को कॉमन कर लें तो ये दो ब्रैकेट्स हमें एकदम सेम मिल जाएंगे। अब अगर हम इन दोनों को कॉमन कर लें, x - 2 और इस x - 2 को हम कॉमन निकाल लें तो हमें क्या मिलेगा, x² - 1। अब आप बच्चों को एक फार्मूला पढ़ाया गया है कि a² - b², आपको क्लास 8 में भी बताया गया होगा, a² - b² कहीं भी हो तो आप इसको क्या नोट कर सकते हो, a - b और a + b। ठीक है, तो ये x - 2 हो जाएगा, ये x + 1 हो जाएगा और ये x - 1 हो जाएगा। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर जो मैंने बताया कि जिस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे उस रूल से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स और यूट्यूब चैनल्स पे आपको सेकेंड रूल ही बताया जाएगा, तो आप उससे भी इसको कर सकते हैं। बट मैंने इसका एक इजी तरीका बताया कि अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आपका टाइम सेव हो, आपके पास समय बचे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट सेकेंड को सॉल्व करते हैं एक डिफरेंट तरीके से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ा सा लंबा भी होगा। देखो 5 का पार्ट 2 जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, x³ - 3x² - 9x - 5। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए तो लास्ट में जो नंबर हमारे पास है ये 5, इसके हम लिखेंगे सारे के सारे फैक्टर्स। तो 5 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, आपको हरदम प्लस और माइनस में नोट करना है, +-1 और +-5। इन्हीं दो के टेबल में तो आएगा, यानी अब देखोगे तो आपके पास हो जाएगा -1, +1, -5 और +5। अब इनमें से आपको 1 by 1 एक नंबर पुट करना है और चेक करना है कि क्या पुट करने पे इस पूरे टर्म्स का वैल्यू है 0 हो जाए। ठीक है, तो हम चेक करते हैं बाय पुटिंग x = -1। तो p - 1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -1 का पावर 3, 3 - 1 का स्क्वायर, 9 - 1 और -5। तो -1 का पावर 3 आप बच्चों क्या मिल जाएगा, तो ये आपको मिलेगा -1, ये 3 × 1, -1 + 9 और -5। तो अगेन आपको क्या मिलेगा, -1, 3 × 1 = 3 + 9 और -5। तो जब हम सारे माइनस वालों को आपस में ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -9 और +9, जो कि होता है इक्वल टू में क्या होता है, 0। यानी p - 1 हमें क्या आ गया, मिल गया 0। देयरफॉर -1 इज़ द 0 ऑफ द पॉलीनोमियल, द 0 ऑफ़ p x। मान लो हमने इसको px लेट कर लिया है। ठीक है, तो -1 में क्या मिल गया, -1 इज़ द 0 ऑफ px। तो बाई फैक्टर थ्योरम x + 1 इज़ अ फैक्टर। तो पहला फैक्टर तो हमें मिल गया कि x + 1 हमारा क्या होगा, इस वाले पॉलीनोमियल का फैक्टर होगा। कैसे पता किया मैंने, तो जब हमने x = -1 पुट किया है तो इसकी वैल्यू आगे 0 आ गई थी, तो जब आप इसका साइड चेंज करोगे तो x + 1 = 0 होगा, तो ये हमारा फैक्टर है। ठीक है, तो आइए अब अदर फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए पहले थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि हम लोगों को जगह मिल जाए लिखने का। एक फैक्टर तो आप बच्चों को मिल गया था,
ठीक है ना, हमें x प्लस वन पहला फैक्टर तो मिल गया था, अब हमें अदर फैक्टर फाइंड करने के लिए करना क्या है कि x प्लस वन से अपने क्वेश्चन को करना है डिवाइड, इसको हमें करना है डिवाइड। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ, हमें दे रखा है माइनस का 5। हम डिवाइड कैसे करते हैं, तो पहले हम लोग एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब को, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आप करोगे इस एक्स स्क्वायर से करोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स क्यूब और यहाँ मिलेगा आपको प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन चेंज, ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होगा तो हमारे पास है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है। देखो साइन मैंने चेंज कर दिया, तो माइनस देखेंगे, क्या देखेंगे माइनस, ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स एंड माइनस का 5। अगेन आप एक्स से इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा माइनस फोर एक्स यहाँ में क्या मिलेगा माइनस का 4x। अब 4x से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, तो 4x इंटू एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन माइनस फोर एक्स मिल गया। मैंने बताया साइन चेंज करते हैं, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, अगेन ये कट जाएंगे, ठीक है। दोनों का डिलीट हो रहे हैं तभी आप सॉल्यूशन सही कर रहे हो। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस होता है, तो 9x में अगर से अगर हम 4x माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस 5x एंड माइनस 5। अब अगेन हम लोग x से माइनस 5x को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस 5। अब माइनस 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x एंड माइनस 5, तो साइन चेंज, प्लस प्लस हो गया 0, ठीक है, आ गया हमारे पास 0। जब हमने x प्लस 1 से अपने क्वेश्चन को डिवाइड किया तो कोसेंट हमें क्या मिला, ये। तो ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई एक्स प्लस वन वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव एज अ कोसेंट। देखो ऐसा पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं, एंड जीरो एज अ रिमाइंडर, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वन इंटू में हमारा कोसेंट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। आपने पढ़ा होगा ना क्लास 5 उसमें पढ़ाया था कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू में कोसेंट। उसी रूल से मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब इसके दो फैक्टर्स क्या होंगे, जो इसके फैक्टर होंगे इसको आप स्प्लिट कर लो, तो x प्लस वन और यहाँ पे हम क्या स्प्लिट कर पाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव। मैंने इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व किया है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो हमें मिल गया x प्लस वन और यहाँ क्या मिल गया, हम x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस फाइव, और यहाँ पे आप प्लस वन कॉमन कर लो x माइनस फाइव, तो अगेन क्या आ गया x प्लस वन, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, तो x माइनस फाइव एंड x प्लस वन। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x प्लस वन का स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस फाइव। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट टू भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट टू भी हो गया आपका सॉल्व। तो ये रहा उसका डिटेल सॉल्यूशन, मैंने इसको जूम कर दिया, आप देख सकते हैं, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। फिर अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को। थैंक यू।